कपाल भाती, कपाल यानी खोपड़ी, भाती यानी चमक या प्रकाश। जिस प्राणायाम से माथे या मस्तिष्क का तेज प्रकट हो वह प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम कहलाता है। कुछ योगा स्क्रिप्चर्स में इसे षटकर्म माना गया है, यानी शुद्धि क्रिया। कपाल भाती का अभ्यास रोजाना करने से आप शरीर के 99% रोगों को ठीक कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स जिन्हें चक्कर आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है, तो वो लोग इसे अवॉइड करें या धीरे धीरे करें। नेत्र रोग जैसे कि मोतियाबिंद, कान के रोगों में जैसे कि पी पाना, इस तरह की बीमारी हो तो कपालभाती ना करें। कपालभाती के समय अगर चक्कर आते हैं या किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो तो तुरंत रोक दें और शवासन में रिलैक्स करें। आइए शुरू करते हैं। कमर एकदम सीधी रखें, गर्दन सीधी, चेहरा रिलैक्स और आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़कर कपाल भाती शुरू करें। सांसों को बाहर छोड़ना, आपको सिर्फ सांस बाहर छोड़ने पर ध्यान लगाना है। पैसिव इन्हेलेशन अपने आप होगा। फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट। पूरा ध्यान केवल सांसों को बाहर छोड़ने पर। कपालभाती करते समय ये विचार करें कि हमारे शरीर के सभी रोग, सभी विकार, सारे डर, क्रोध, लोभ, दुख दूर हो रहे हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं।
कपाल भाती करने से ताजगी, शांति और प्रसन्नता आती है। कमर एकदम सीधी रखें, पूरा ध्यान केवल सांसों को बाहर छोड़ने पर। डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने के कारण पेट के सभी अंगों जैसे कि किडनी, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, यूट्रस आदि को लाभ पहुंचाता है। डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन का नाश होता है। मस्तिष्क रोगों में कपालभाति से फायदा मिलता है। कपालभाति मोटापा कम करता है। शरीर का वजन संतुलित करने के लिए कपालभाति बहुत कारगर है।
पूरा ध्यान केवल सांसों को बाहर छोड़ने पर। कपालभाति कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। कपालभाति से शरीर की कई अशुद्धियां दूर होती हैं। पूरा शरीर सुदृढ़, बलवान, तेजवान, आकर्षक और सुंदर बनता है। पूरा ध्यान केवल सांसों को बाहर छोड़ने पर। कपालभाति से झुर्रियों का नाश होता है। चेहरे और शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती और शरीर कांतिवान बनता है। पूरे शरीर और चेहरे पर एक चमक आ जाती है। कमर एकदम सीधी रखें। पूरा ध्यान केवल सांसों को बाहर छोड़ने पर।
forceful breathing out. शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। कपालभाति करते समय ये विचार करें कि हमारे शरीर के सभी रोग, सभी विकार, सारे डर, क्रोध, लोभ, दुख दूर हो रहे हैं।